ट्रैफिक पुलिस ने कार शोरूम से डेमो में रखी 3 लग्जरी कार जब्त की है। इन कारों को अस्थायी नंबर की अवधि खत्म होने के बाद भी शहर में चलाया जा रहा था। पुलिस ने संचालकों को नोटिस भी भेजी थी और पुलिस ने शोरूम संचालकों को आज मंगलवार को दस्तावेज लाकर दिखाने की बात कही है। डीसीपी महेश चंद्र जैन ने सोमवार को रेनो कंपनी के 3 डेमो कारों को जब्त किया गया है। सोमवार रात एडीसीपी अनिल पाटीदार को रेनो कंपनी की स्टिकर लगी हुई ट्राइबर कार की दस्तावेज चेक करने के लिए वायरलेस पर मैसेज किया। नजदीक में ही ड्यूटी कर रहे सूबेदार काजीब रिजवी ने पीछा कर कार को पकड़ लिया। दस्तावेज मांगने पर चालक ने कंपनी की डेमो कार होने की बात कही, लेकिन कार में अस्थायी नंबर होने पर उसे थाने भेज दिया गया। इसके बाद पलासिया के शोरूम पर जाकर ऐसी 2 और कारों को जब्त किया गया और पुलिस के मुताबिक इन कारों की RLVD चालान भी बकाया निकले हैं, जिन्हें कंपनी से वसूला जाएगा। जो डेमो कार थी इसको हम यहाँ पे इंडस्ट्री हाउस चौराहे पे पकड़ा गया। इसमें देखा गया कि ये गाड़ी का नंबर 4 कारों पे चल रहा है और इसका बकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, जो नहीं पाया गया उस गाड़ी को जब्त की गई। सर कितनी अनियमितता और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पे? हम लोग अभी ये करके जब्त करके इसका बीमा और ये चेक करने के लिए कागज बुलाए हैं। जो जो भी इसमें रूल्स की कमी पाई जाएगी उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी।